लास्ट हमने जो है वो मैथ ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। इससे मुतालिक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ ले, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आज की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं और हमने नंबर और स्ट्रिंग पढ़ लिए हैं। तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि दो वेरिएबल को आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम एक छोटी सी ऐप यानी कि कैलकुलेटर जैसी या कोई कन्वर्टर जैसी ऐप हम छोटी सी बनाने के काबिल हो गए हैं, राइट? अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल में एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, है ना? अच्छा, तो अगर हमें ये बोला जाए कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये एक टेम्परेचर है और सेल्सियस में है ये, और इसको हमने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है, तो वो हम किस तरह करेंगे? वो लास्ट हमने जो किया था उसमें आ जाते हैं। और मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसको आप लोग बताएंगे कि इसको कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा, ठीक है? मैं लास्ट वाली क्लास में ही आ गया मैं, और ये जो लिखा हुआ कोड था इसको मैंने कमेंट कर दिया। मैंने कहा लेट टेम्प इन 35, ठीक है, कराची का करंट दर्जे हरारत 35, यहाँ तो 16-15 पे चल रहा है ना, ठंड हुई भी है, वहाँ पसीने बह रहे हैं तो कल मैं पसीना बहा के आया हूँ। अच्छा नहीं, वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि टेम्परेचर ज़रा कंसिस्टेंट रहता है, मिसाल के तौर पे मतलब तकरीबन 10 महीने जो है ना टेम्परेचर बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। अच्छा, अभी वहाँ पे फ्लक्चुएट अब करेगा, अब जाना शुरू हुआ है नीचे, अब रात को ना 25 या 24 हो जाता है आजकल, तो बस ये महीना जैसे ख़त्म होगा तो फिर वो 35 से आएगा 25 पे या 20 पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसके नीचे नहीं जाता, फिर वो वापस 35 पे आ जाएगा, बस ये जनवरी फरवरी कंप्लीट होगा तो दोबारा 35 पे आ जाएगा, फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कम ज़्यादा होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंसिस्टेंट रहना एक इसकी एक अपनी अफादियत है, तो वो है वेल, लेकिन ठंड का एक अपना फ्लेवर है, एक अपना वो है वेल। तो हमारे पास ये जी टेम्परेचर एक वेरिएबल में मौजूद है, और हमने क्या करना है, अब लेट रिज़ल्ट, एक मैंने दूसरा वेरिएबल बना लिया रिज़ल्ट, अब इस टेम्परेचर को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, फॉरेनहाइट में, तो मैं रिज़ल्ट के साथ ये एफ़ लगा देता हूँ कि जी रिज़ल्ट फॉरेनहाइट में। अच्छा, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? अच्छा, फार्मूला फार्मूला इंटरनेट से देखेंगे हम, ठीक है, मैथ वैथ मुझे नहीं आती और ना आपको आने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट फार्मूला, दैट्स इट। तो इन्होंने बोला कि जी ये इस तरह से होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं वहाँ नीचे ज़रा एज अ रेफरेंस इसको मैं क्या कर देता हूँ, एज अ रेफरेंस इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, क्या कोड लिखूँगा मैं यहाँ पे, आप जल्दी से बताओ, ये आ गया नीचे फार्मूला, क्या लिखूँगा यहाँ पे तो रिज़ल्ट के अंदर फॉरेनहाइट बन के चला जाएगा, तुम्हें आता है बताओ, जिसको भी आता है वो बताए, बताओ ना, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ये और क्या है इसमें, थर्टी, अच्छा 35 की जगह तो ये टेम्प सी में जो भी है वो आ जाएगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये यूज़र इनपुट है, अभी तो हमने यूज़र से नहीं लेना सीखा इनपुट, लेकिन हम एज्यूम करें कि यूज़र का इनपुट है। अच्छा, अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई स्टैटिक लगाते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, और किससे, नाइन स्लैश फाइव प्लस 32 हो गया ये। अच्छा, अब इसमें वो एम्बिगुइटी वाला चक्कर है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो इन्होंने ये ब्रैकेट लगा के मेंशन किया हुआ है, तो हम भी इसमें ब्रैकेट लगा देंगे तो ये काम पहले हो जाएगा, दैट्स इट, सही है? अगर तो ये मैंने फार्मूला सही लिखा है तो मेरे पास रिजल्ट सही आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो 35 डिग्री के अगेंस्ट फॉरेनहाइट कितना बनता है ये मैं वैसे ही अलग से गूगल पे चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है, 35 डिग्री टेम्परेचर पे वो कितना बनता है, मैंने कहा कि 35
C2F, तो ये इसने मुझे बता दिया कि जी 35 डिग्री पे ये 95 फॉरनहाइट बनता है। तो अब हम चेक करते हैं, हमारे पास भी अगर आंसर 95 आ रहा है तो उसका मतलब है ठीक आ रहा है। तो मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ, कैसे करूँगा, राइट क्लिक यहाँ करूँगा, कॉपी पाथ, और यहाँ पे आके उसको पेस्ट करूँगा, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कॉन्सोल, ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। अच्छा, उसको मैंने प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि इस रिज़ल्ट को मैंने प्रिंट नहीं करवाया एक्चुअली, ठीक है, प्रिंट करवा दिया मैंने, ठीक है जी, 95 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है। अच्छा, तो अब आप इमेजिन करें कि ये वाला जो पार्ट है इतना, ये अगर मुझे सम हाउ यूज़र से मिलना शुरू हो जाए तो मेरा कन्वर्टर तैयार हो गया। अब यूज़र जो भी लिखेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखना है, यूज़र से इनपुट लेना सीखना है, क्योंकि ये जो चार ऑपरेटर हमने सीखे हैं लास्ट क्लास में, ये पूरी दुनिया की जो मैथ है वो इन चार ऑपरेटर्स पे ही चलती है एक्चुअली, ठीक है। जो पूरी दुनिया के कन्वर्टर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, या वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो मीटर चल रहा है, या वो आपके जो कोई जो लोन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो पूरी अकाउंटिंग है पूरी की पूरी, वो पूरी इसी चार ऑपरेटर पे चल रही है। तो ये चार ऑपरेटर अगर आपको आते हैं ना, तो अकाउंटिंग से मुतल्लिक जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं सीखा है, जो कमी है हमारे सिलेबस में। वैसे तो अभी अब हमने आगे कहाँ पे जाना है, हमने आगे बढ़ना है कि इफ एल्स वगैरह, और ये बूलियन नहीं पढ़ा हमने, हमने एरे नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, हमने इनपुट आउटपुट करना सीख लेना है, ताकि हम क्या करते रहें थ्रू आउट द कोर्स, जावास्क्रिप्ट का एक एक टॉपिक पढ़ते रहें और उससे कोई ऐसी चीज़ बनाते रहें जो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। इस वजह से मैं इस पॉइंट पे चाहता हूँ कि आपको इनपुट आउटपुट समझ आ जाए, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आकर एक नया फोल्डर बना देता हूँ, क्या मतलब, अच्छा, तो मैंने कहा कि यार 6.ES6 इनपुट ठीक है जी। मैंने एक index.html की फ़ाइल बना दी इस फोल्डर में, जो नया फोल्डर था मेरा, और उस index.html की फ़ाइल में एक H1 लगा देता हूँ जस्ट फॉर दी हेडिंग, के जो है ना यहाँ पर क्या है ये, प्यारा बच्चा आप ये कंप्यूटर का मॉनिटर ऑफ करो और सब लोग यहाँ देखें, जो यहाँ क्लास में बैठा हुआ है उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये वो HTML का कोड है जो हम सब लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। अच्छा, लेकिन इस स्क्रिप्ट को लिखने से पहले मुझे क्या करना होगा, जब HTML के अंदर या ES6 के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब यूज़र से मुझे इनपुट चाहिए होता है, तो उसका जो तरीका है वो क्या है कि इनपुट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि एक साइन अप फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म की एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि वो इस तरह का कोई इनपुट बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपना इनपुट देते हैं और बटन दबा के, सबमिट का बटन दबा के उसको बताते हैं कि जी ये मेरा इनपुट है। अच्छा, तो जैसे कि गूगल सर्च पे जब आप जाते हैं, ठीक है, हाँ, तो जी हाँ, तो google.com पे जब आप जाते हैं तो ये आपसे इनपुट मांगता है ना, एक ये आपसे बोलता है कि सर्च में कोई बात लिखें आप। तो मैंने अगर लिखा है यहाँ पे SMIT, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो ये जब भी आपको रिजल्ट सर्च करके ला के देता है, राइट। जब तक इसको मैं ये इनपुट नहीं दूँ, इसको ये कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसका एक आउटपुट है, आउटपुट इसका ये रिज़ल्ट सामने जो दिख रहे हैं, ये सारा का सारा इसका आउटपुट है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि HTML में, या किसी वेबसाइट में, या ECMAScript 6 में, या JavaScript में, ये सारे एक ही चीज़ों के नाम है अलग अलग। तो इसमें अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना होता है तो हमें इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है, इस तरह का एक इनपुट बॉक्स बनाना होता है जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। अच्छा, इनपुट के बारे में एक चीज़ और भी समझ लें, कि दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, या इवन कोई सॉफ्टवेयर से भी आगे की बात कर देता हूँ मैं, कि जितनी भी मशीन्स हैं पूरी दुनिया में, उसका कोई ना कोई इनपुट होता है और उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है, राइट। तो वेल,
तो दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना, वो जिस अप्रोच पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपीओ मॉडल। ठीक है, आईपीओ मॉडल। अच्छा, आईपीओ मॉडल मतलब क्या है कि कोई भी मशीन होगी ना, तो वो सबसे पहले उसको इनपुट चाहिए। जब तक इनपुट नहीं मिलेगा वो स्टार्ट हो ही नहीं सकती, स्टार्ट होने का उसका कोई सीन नहीं है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो चाहे वो कोई फिजिकल मशीन हो। उस इनपुट को फिर वो करती है प्रोसेस, वो मशीन या वो सॉफ्टवेयर उस इनपुट को प्रोसेस करती है, और कोई ना कोई उसका आउटपुट भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इस पैटर्न को, इस मॉडल को फॉलो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी में उसको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, चाबी शाबी कुछ घुमानी पड़ती है, तो जब ही वो स्टार्ट होता है। अच्छा, और इनपुट की मद में उसको मज़ीद हम देते हैं, स्टेयरिंग को ज़रा घुमा लेते हैं हम, किधर मुड़ना है किधर मुड़ना है, तो उसको जब, हाँ, फ्यूल भी इनपुट है, तो ये सारा इनपुट है, मल्टीपल इनपुट्स उसको चाहिए होते हैं, तो जब ही जाके वो चल पाती है। अगर आप सब चीज़ों को छोड़ दें, मतलब चलती हुई गाड़ी में सारी चीज़ों से हाथ हटा लें, तो वो गाड़ी खुद ही बंद हो जाती है। सही है, अगर चलती हुई गाड़ी, मतलब खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि चलती हुई गाड़ी को आपको रोकना पड़ जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि सब चीज़ों से हाथ हटा दें, वो खुद ही रुक जाएगी। मतलब कभी ना कभी जाके रुकेगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो अब खुद से आगे नहीं बढ़ेगी, जितनी उसको पावर मिल चुकी है ना, वो मिल चुकी है, बस वो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही रुक जाएगी। ठीक है, वैसे तो ब्रेक दबा के रोकना बेस्ट अप्रोच है, लेकिन हाँ, हैंड ब्रेक या जो नीचे ब्रेक जो भी होता है वो दबा के रोकना बेस्ट अप्रोच है। तो कहते हैं ना कि यार, एक ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो ड्राइविंग उनकी ज़रा ख़राब होती है, और वो ऑब्वियसली होगी, ख़वातीन का काम गाड़ी चलाना थोड़ी है, वो तो मर्द चलाते हैं बाहर। ख़वातीन को कभी कभी शॉपिंग वगैरह के लिए जब जाना पड़ता है तो फिर उनको गाड़ी चलानी होती है ना, वैसे तो नहीं होती है। तो ख़वातीन में वो पूछा गया किसी खातून से कि जी, वो एक बूढ़े आदमी खड़े हैं और एक बच्चा खड़ा है, तो आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो आप किसको पहले, एक को मार सकते हैं आप, तो किसको मारेंगे? तो वो ब्रेक मारना होता है। ठीक है, उन दोनों को नहीं मारना, ब्रेक मारना है। तो ब्रेक दबा के रोकना गाड़ी को एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन अगर आप सब चीज़ों से हाथ डालें ना, उसको कोई इनपुट ना मिले अगर आपसे, तो वो खुद ही रुक जाती है। अच्छा, इसी तरीके से एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को भी जब तक आप नंबर उसको नहीं इनपुट करके देंगे और जब तक आप कॉल का बटन नहीं दबाएंगे, वो नहीं शुरू होता। हाँ, कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस उसका इनपुट है। ठीक है, जैसे ये, हाँ, इस एसी के अंदर जो इनपुट हमें इसको रिमोट से देना पड़ता है, तो दुनिया का हर सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर दैट यू कैन थिंक ऑफ रिक्वायर इनपुट। अच्छा, इनपुट लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अच्छा, फिर प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज़ अ सॉफ्टवेयर, आप उसको कुछ इनपुट देते हैं। अच्छा, क्या इनपुट लेता है आपसे व्हाट्सएप? आपसे दो इनपुट लेता है, या किसी को भी मैसेज भेजते हैं आप, एसएमएस की बात अगर हम करें व्हाट्सएप के अलावा, तो दो बातें आपसे वो लेता है। एक तो वो बंदे का नंबर, वो या तो आप कॉन्टैक्ट में से दे दें या तो हाथ से लिख दें आप, वो बंदे का नंबर जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। दूसरा इनपुट वो एक्चुअल मैसेज जो भेज रहे हैं आप, वो मैसेज कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई वॉइस नोट भी हो सकता है, कोई इमेज वगैरह भी हो सकती है। तो दो चीज़ें लेता है, उस बंदे का, उस बंदे की आईडी, उस बंदे का नंबर, उस बंदे की जो यूनिक कोड है उसका, वो लेता है आपसे, और दूसरा वो एक्चुअल मैसेज जो भेजना है। ये दोनों चीज़ें आपकी इनपुट को वो लेते ही क्या करता है, सम हाउ उसको प्रोसेस करता है। अब वो प्रोसेसिंग में क्या करता है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग उस पर वो परफॉर्म करता है, जैसे कि इमेज होती है शायद, उसको वो थोड़ी क्वालिटी कम कर देता है इमेज की। ठीक है, तो सम हाउ उसको वो भेज देता है बंदे तक, कुछ प्रोसेसिंग ऐसी उस पर चलाता है वो कि वो दूसरे बंदे तक पहुँचा देता है उसको। अच्छा, अब तो ये प्रोसेसिंग भी हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जैसे फोटोशॉप इज़ अ सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप में क्या करते हैं आप, एक फ़ोटो होती है जो कैमरे से खींची गई फ़ोटो होती है कॉमनली, उस फोटो को फोटोशॉप पे लगाते हैं आप, और उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके उसको ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा क्रॉप श्रॉप करके, या कोई बैनर वैनर आप तैयार करते हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कि आप कुछ प्रोसेस उस पर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर उसका कोई ना कोई आउटपुट निकलता है हर सॉफ्टवेयर का। ये तीन चीज़ दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में कॉमन है, एनी सॉफ्टवेयर दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो फोटोशॉप पे जो प्रोसेस किया आपने, उसके बाद मोस्टली आप क्या करते हैं, उस फोटो का शायद प्रिंट निकाल लेते हैं, या प्रिंट नहीं निकालते तो उसका जेपीजी फॉर्मेट बना के उसको कहीं भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं। तो दैट थिंग दैट यू आर सेंडिंग वाया ईमेल, वो उसका आउटपुट समझ लें आप उसको। व्हाट्सएप के ऊपर जब आप मैसेज भेजते हैं, तो आपने जो लिखा वो इनपुट हो गया आपका, भेजने का जो प्रोसेस था वो व्हाट्सएप ने परफॉर्म कर दिया।
आउटपुट जो होगा व्हाट्सएप का, वो सामने वाले रेसिपिएंट के पास जब रिंग होगा ना फ़ोन उसका, जब उसके पास मैसेज वो पहुंचेगा, तो वो उसको उसको दो आउटपुट रिसीव हो रहा है। नंबर एक तो वो रिंग होता है उसका फ़ोन, और जब वो उस पर क्लिक करता है नोटिफिकेशन, तो एक्चुअल मैसेज फिर उसको नंबर आ जाता है। तो ये दो आउटपुट उसको मिलते हैं, एक साउंड की सूरत में और एक टेक्स्ट की सूरत में, या जो भी अगर मैसेज अगर इमेज की सूरत में। तो ये IPO मॉडल जो है ना, ये दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में कॉमन है। अच्छा, अभी जो हम सॉफ्टवेयर छोटा सा बनाने लगे हैं आज, दैट इज़ अ कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर ऐप। इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए होगा, एक अदद इनपुट चाहिए होगा। इनपुट में मुझे क्या चाहिए होगा, ये नहीं नहीं दिस इज जस्ट अ हेडिंग, ये हेडिंग है ना H1 के अंदर है, ये इसको हटा भी सकता हूँ। ये एक्चुअली सेपरेटर है, कि ये दो बातें सेपरेट हैं, कि जी इनपुट आउटपुट सीख रहे हैं हम एंड वी आर बिल्डिंग कैलकुलेटर ऐप। तो कैलकुलेटर की ऐप में अगर मैंने एक अच्छा बहुत ही सिंपल बनाने लगे ना, जो सिर्फ प्लस करे, बस एक काम कर दे प्लस, तो प्लस करने के लिए जो मुझे मिनिमम ना दो नंबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने ये बात देखी थी प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। तो प्लस को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, जब भी वो उसको करेगा कि जी 2 + 3। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 और प्लस कर दें, 2 + 3 उसको चाहिए। तो दो वैल्यूज़, दो नंबर्स मुझे चाहिए होंगे, जो कि मैं यूज़र से ले लूँगा। तो मुझे यूज़र से दो अदद इनपुट लेने हैं। अच्छा, देन उसको प्रोसेस जो मैं करूँगा, वो प्लस का ऑपरेटर लगाऊँगा, उसको जोड़ूंगा आपस में, उसका जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा उसको मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो ये आज का हमारा टारगेट होगा जो हम अभी करने जा रहे हैं। अच्छा, और जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा, तो आपने अभी ये करके उठना ही आज यहाँ से, ठीक है? घर वाला टास्क वो दूसरा है, वो जो मैंने उधर दिया हुआ है। नहीं, वो कैलकुलेटर नहीं है, उसको आप पढ़ें और से, उसमें तीन चीज़ें। वेल, तो अभी अब उसको छोड़ दें, अभी वो वाली टेंशन छोड़ दें कि उसमें क्या है, वो देखेंगे हम, कोई मसला नहीं है। उसके लिए आपके पास एक हफ्ता पड़ा हुआ है, अभी ये वाले पे गौर करें जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इनपुट लेने के लिए मुझे स्क्रीन पे क्या चाहिए होगा, एक अदद फॉर्म, ठीक है? फॉर्म का टैग, HTML का एक सिंपल सा टैग है। उसके बाद मुझे उस फॉर्म में क्या चाहिए होगा, फर्स्ट नंबर, यूज़र नेम नहीं ना, वो तो साइन अप के फॉर्म में होगा ना, फर्स्ट नंबर और उसके बाद इनपुट का टैग, ठीक है? उसके बाद BR, जिससे लाइन चेंज होगी, सेकंड नंबर, इनपुट का टैग, BR, उसके बाद बटन सम। तो ये मैंने छोटा सा एक HTML लिखा है, इसका जो डिस्प्ले मुझे स्क्रीन पे नज़र आएगा ना, वो देख लेते हैं कि किस तरह का मुझे वो नज़र आएगा। मैंने अब इसको आइटिंग, हाँ ये ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है ना, ये क्या हुआ? अच्छा अच्छा ये दूसरा है। वेल, तो मैंने क्या किया, कॉपी पाथ करके मैंने उसको यहाँ पे ओपन कर लिया, उस HTML फाइल को। इसके अंदर एक तो ये H1 की हेडिंग नज़र आ रही है जो मैंने टॉप पे लगाई थी। उसके बाद मेरे पास जो फॉर्म था वो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, कि जी फर्स्ट नंबर, उसके आगे एक इनपुट बॉक्स, सेकंड नंबर, उसके आगे एक इनपुट बॉक्स। सही है, गुड इनफ, मुश्किल तो नहीं था इसके अंदर कोई, आसान है बिल्कुल। अच्छा, ये जो कोड है ये मोस्टली क्या होगा, ये बॉयलर प्लेट कोड होगा। बॉयलर प्लेट कोड वो होता है जो मतलब हर दफ़ा आपको चाहिए ही होता है किसी भी ऐप को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है? जैसे कोई भी आप ऐप बनाएंगे उसमें इनपुट तो आपको चाहिए, तो इनपुट का जो फॉर्म इसी तरह बनेगा हर दफ़ा एक्चुअली। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम, अब ये फॉर्म मैंने बना दिया। अब इस फॉर्म को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के ऊपर ना एक फंक्शन मैं लगाऊँगा। अच्छा, फंक्शन हमारे जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है एक, जो अभी आगे आएगा, ठीक है? ये लास्ट हमारा टॉपिक है, ये फंक्शंस, ठीक है? तो ये एक्चुअली हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जिस तरह कह रहा हूँ इस तरह ही आप करेंगे तो ये काम हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट अ बॉयलर प्लेट। अच्छा, तो मैंने इसको कह दिया डू सम, ठीक है? डू सम मैंने इसको लिख दिया, और इसके अंदर लिख दिया मैंने इवेंट।
इवेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मुझे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करना है। अभी मैं ये पूरा लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। डू सम और यहाँ पे भी इवेंट, यार मैंने ब्रैकेट गलत लगा दी, इवेंट यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ठीक है जो यहाँ लिखा है इवेंट सेम नाम से इवेंट यहाँ पे लिखती है। अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग लगा देता हूँ कि भाई ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। फंक्शन इज रनिंग, ठीक है, वैसे तो रनिंग नहीं होता फंक्शन, एग्जीक्यूटिंग होता है, लेकिन चलो। अच्छा तो क्या हो गया, अभी ये फॉर्म बना हुआ है, इसमें कुछ भी लिख कर इनपुट बॉक्स में जब मैं सम का बटन, अच्छा इसके बटन पे ना टाइप सबमिट भी लगाते हैं, टाइप सबमिट, ठीक है। अच्छा अगर फॉर्म के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर अगर बटन अकेला बटन हो, एक ही बटन हो, तो उस पर टाइप सबमिट लगाना ज़रूरी नहीं होता, वो बाई डिफ़ॉल्ट उसको सबमिट का बटन कंसिडर कर लेता है, लेकिन बेहतर ये कि टाइप सबमिट हम लगा दें। तो वेल मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के अंदर कुछ भी बात लिख कर जब मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा सम उसका नाम रखा हुआ है इस वक्त मैंने, ठीक है ये सबमिट का बटन है इसके, जब सबमिट का बटन दबाता हूँ तो मैंने यहाँ पर मैंशन किया ये बात कि भाई जब भी सबमिट हो, ऑन सबमिट डू दिस थिंग, ये एक फंक्शन है जो चलाना है। अच्छा फंक्शन क्या चीज़ होती है, फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, इसके दरमियान में इस वक्त एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन कल को 100 लाइन 200 लाइन भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो जो भी कुछ इसके दरमियान लिखा होगा इस फंक्शन की बॉडी में, ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है, ठीक है, या इसको हम ब्लॉक ऑफ फंक्शन भी कहते हैं कि फंक्शन का एक ब्लॉक है। मेरा जो पूरा का पूरा कोड था उसमें मैंने एक ब्लॉक बना दिया कि जी इतना कोड आपने कब चलाना है, फ़ौरन नहीं चलाना। वैसा तो जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होता है, जैसे ही पेज लोड होता है फ़ौरन चल जाता है, मैंने लेकिन यहाँ पे ये बात की है कि ये इतना ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसको फ़ौरन नहीं चलाना, इसको कब चलाना, जब बटन पे क्लिक हो जब चलाना, जब ये फॉर्म में कुछ लिखे बंदा और लिख के बटन पे क्लिक करे तो फिर चलाना, उससे पहले मत चलाना। तो इतनी बात आसान है, समझ आई सब लोगों को? फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। अच्छा नहीं देखो सवाल पूछने में कोई मसला नहीं है, अगर अगेन आपको समझ नहीं आया तो मज़ीद मुझसे क्लैरिफाई करो सवाल। सवाल आपका आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ समझाओ मुझे, कहाँ सबमिट हो रहा है, सबमिट होके कहाँ जा रहे हैं? देखो कोई क्वेश्चन हो ना तो बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो उसका भी क्या रिजल्ट होगा वो समझ लो। उसका रिजल्ट क्या होगा? नहीं यस सर नहीं होगा। हाँ नहीं मुझे अभी याद आ गया है कि वो उस दिन हामिद भाई ने जो कहा था बड़ा गहरा असर हुआ है अभी तक आपको, याद है आप लोगों को, अच्छी बात है वैसे ये भी कि अभी तक याद है। वेल भाई अगर आप ना आपके आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और आपने पूछा भी नहीं और आपने यस सर अगर कर दिया तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि मुझसे आप बाद में जलील होंगे, क्योंकि जाहिर है जब आपको समझ नहीं आएगा तो आपसे बनेगा नहीं ना वो, और जब नहीं बनेगा तो उससे मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ ना कि यार पता नहीं मतलब मैंने शायद सही नहीं पढ़ाया या पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको समझ आए, मेरे लिए सबसे बेस्ट है ये, अदरवाइज क्योंकि आई थिंक कि मैं जो यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ना मेरे अल्फाज बहुत कीमती हैं, तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जब मैं कुछ बोलूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आए, तो ये मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ, तो इसलिए आई अप्रिशिएट क्वेश्चंस। अच्छा मैं चलो अब समझा देता हूँ तुम्हें कि ये सबमिट का क्या चक्कर है। ये इतना फॉर्म है ना, जो एक तो पेपर फॉर्म होता है हमारे पास, तो पेपर वाले फॉर्म पर तो कुछ लिखते हैं ना, और लिख के कहीं जाके जमा करवाना होता है, किसी काउंटर पर किसी ऑफिस में जाके जमा करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म में कोई बात लिखते हैं ना, तो उसको सबमिट का मतलब ये होता है कि बस जो लिखना था हमने वो लिख लिया। अच्छा जी तो वेबसाइट में क्या होता है कि जब फॉर्म में ना जो भी आपने लिखना होता है
वो आप लिख चुके होते हो, तो आप सबमिट का बटन दबा देते हो कि मैंने लिख लिया अभी जो भी लिखना था मुझे, ठीक है। अच्छा, तो सबमिट का बटन दबाते ही क्या होता है, ये क्या हुआ यार, सबमिट का बटन दबाते ही क्या होता है कि ये मैंने ऑन सबमिट पे जो फंक्शन लगाया हुआ है ना, ये चल पड़ता है। अच्छा, अब ये जब फंक्शन चल पड़ता है ना, तो हम एज अ डिवेलपर, जो भी जिसने भी इस वेबसाइट को बनाया है, क्योंकि उस केस में भी हम हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी सबमिशन पे क्या करना है। अच्छा, इसकी सबमिशन पे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सबमिशन पे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ बंदे ने लिखा है उसको किसी डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं, जो कि अभी ने अभी डिस्कस नहीं किया, डेटाबेस वगैरह तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन किसी डेटाबेस में हम सेव करवा सकते हैं। या हम उसको क्या कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही उस इनपुट पे कुछ प्रोसेस करके और वहीं पे वापस उसको डिस्प्ले करवा दें, जो कि हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। हम यहीं पे इसको प्रोसेस करेंगे, क्या प्रोसेसिंग होगी, वो हमारी पहला इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठाएंगे, दूसरे इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो फिलहाल हम अभी ये करने लगे। तो सबमिट का जो बिहेवियर है वो एज अ डेवलपर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है मुझे। अच्छा, अब क्या क्या कर सकता हूँ मैं सबमिट में, जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जो एज अ ह्यूमन जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे हो सकती हैं। अच्छा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि यार अगर तो ये मेरा फंक्शन ये सही बन गया है, अगर फॉर्म, तो इसका ये सबमिट का बटन दबाने पे ना, ये इतना ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये चलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया और मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कुछ यहाँ पे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और सम का बटन दबाया। अच्छा, सम का बटन दबाते ही आप नोट करें कि मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना और मैं सम का बटन दबाता हूँ, तो आप इस वाले पार्ट को देखिएगा, ये रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है, और रिफ़्रेश होकर दोबारा मुझे पेज लोड कर देता है। अच्छा, जो कि मेरा डिज़ायर्ड बिहेवियर नहीं है। अच्छा, फॉर्म के अंदर ना जो HTML5 का जो फॉर्म है उसका ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब भी सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो वो पूरे पेज को रिफ़्रेश करता है, सही है। अच्छा, हमें सबसे पहले तो इसको प्रिवेंट करना है। अच्छा, हम ये क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस रिक्वेस्ट को डेटाबेस वगैरह में नहीं भेजना चाहते, हम यहीं पर उसको लोकल प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर ना पहली लाइन में मैं लिखूँगा इवेंट, जो इवेंट है डॉट प्रिवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। हाँ भाई, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट पता है तुम्हें, गुड, वीडियो देखी तुमने, आगे देख ली, गुड यार। अच्छा, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने लगा दिया। अच्छा, इससे क्या होगा कि जी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो जो है ना फॉर्म का, अच्छा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में दो चीज़ें नोटेबल हैं, नंबर एक तो ये कि पेज रिफ्रेश होता है, नंबर दो फॉर्म खाली हो जाता है, तो वो दोनों नहीं होगा, ठीक है, हमें दोनों काम नहीं करवाना। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 12, कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा मैं, तो सम का बटन दबाते ही फंक्शन इज़ रनिंग लिखा हुआ आ गया, लेकिन मेरा पेज भी रिफ़्रेश नहीं हुआ और फॉर्म भी खुद से खाली नहीं हुआ, जो कि पहले खुद से खाली हो जा रहा था। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को मैंने प्रिवेंट कर दिया। नहीं, अभी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने ये इतना ब्लॉक ऑफ कोड चला दिया ना सबमिट के बटन पे ना, इतना ब्लॉक ऑफ कोड चला दिया, तो इतने में जो लिखा हुआ तो वो हो गया। अच्छा, इस ब्लॉक ऑफ कोड में अब हमने आगे जो कोडिंग करनी है, वो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि इसमें पहला जो ये इनपुट बॉक्स है इससे वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मुझे एक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी यूनिक, क्योंकि देखिए अभी दो इनपुट बॉक्स है ना, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, इसमें मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, और उसके लिए बेस्ट क्या है, उसके लिए बेस्ट है इसको आईडी दे दूँगा, ठीक है, आईडी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, ये आईडी जो है वो केस सेंसिटिव है। अच्छा, ये डू सम जो लिखा है ना मैंने, ये भी केस सेंसिटिव है, यानी मतलब जो स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग मुझे यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, अगर स्पेलिंग ज़रा सी मिस्टेक हुई तो ये फिर काम नहीं करेगा। जैसे वेरिएबल के नाम में होता है ना, केस सेंसिटिव होता है कि जी जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा, जो कैपिटल वो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसको मैंने आईडी दे दी, तो अब ये इनपुट बॉक्स की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गई, इस आईडी के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को गेट करूँगा इसमें से, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे एक दूसरी आईडी लिखता हूँ, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने क्या दे दिया, यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दी।
अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फर्स्ट नंबर डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, दो वेरिएबल बना दिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ना। और मैंने इस वेरिएबल में क्या बोला, पहले मैं क्या करता था, वेरिएबल लिखता था और उसके आगे मैं क्या लिख देता था, एक टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू मैं हाथ से ऐसे कर देता था कि भाई 25 है, सही है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स 25, ठीक है। बट अब हमने इस तरह नहीं करना है, अब हमने ये इनपुट यूज़र से लेना है, क्योंकि एक्चुअल सॉफ्टवेयर में तो यूज़र से इनपुट लिया जाता है। अभी तक हम जो करते रहे हैं कि जी फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 25, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 5 और फिर दोनों को प्लस करवाते थे हम, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ ना, रियल लाइफ में तो हमेशा यूज़र से मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। तो लिहाजा अब मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, ये वाली बात लिख रहा हूँ। अच्छा ये मैंने क्या बात लिखी है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट इस केस में क्या चीज़ है, मेरा जो HTML का पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये उस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तो HTML के डॉक्यूमेंट में क्वेरी सेलेक्टर, मैंने कहा कि HTML के डॉक्यूमेंट में तलाश करो, क्वेरी का मतलब होता है तलाश करना, तलाश करो इस ID के साथ। अच्छा हम ये हैश हम जानते हैं ना, इस ID होता है इसका मतलब, हमने ये CSS में देखा था कि इसका मतलब ID होता है। तो ये हैश लगा के फिर मैंने ये नाम लिखा है फर्स्ट नंबर। तो मैंने कहा भाई ये इस नाम का ना एक एलिमेंट तलाश करो जिसके ऊपर फर्स्ट नंबर के नाम से ID डली हुई। अच्छा ये भी केस सेंसिटिव है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा फिर इतना जब ये कोड रन होगा इतना वाला, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वो एलिमेंट ला कर देगा जो इनपुट के नाम से जो एलिमेंट है वो ला कर देगा। फिर मैंने कहा कि उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, डॉट वैल्यू लगा दिया मैंने, सही है, कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो वाली वैल्यू मुझे ला कर दो। इसी तरह सेकंड नंबर के साथ भी मैंने एक वेरिएबल बना के सेकंड नंबर के नाम से मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सेकंड नंबर डॉट वैल्यू, कि सेकंड नंबर के नाम से जो भी इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर उठा कर लो। तो ये दोनों वैल्यू मुझे इस वेरिएबल्स में मिल जाएंगी। तो इसको ज़रा कॉन्सोल करवा कर देख लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ मुझे मिल जाती हैं कि नहीं मिल जाती, ठीक है। इतने को अब चलाते हैं, ठीक है, सब लोगों को समझ आ रहा है। ये इतना फॉर्म है, फॉर्म में दो इनपुट बॉक्सेस बने हुए हैं, सबमिट का बटन है और ऑन सबमिट पे चलने वाले फंक्शन का नाम है। जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, ये ऑन सबमिट में जिस फंक्शन का जिक्र है वो फंक्शन चल पड़ेगा। वो फंक्शन जब चलेगा, फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, तो इतना ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। इतने ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने सबसे पहले तो प्रिवेंट किया डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, वो आप देख लिया उसका रिजल्ट क्या हुआ, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। उसके बाद मैंने दोनों वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया है फॉर्म के अंदर से, इनपुट बॉक्सेस के अंदर से, और दोनों को मैंने कॉन्सोल करवा दिया। तो आप देख लेते हैं कि मुझे वो दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ कॉन्सोल पे मिलना शुरू हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। रिफ्रेश किया मैंने पेज को अपने, मैंने लिखा जी 12, दूसरे पे 45 सम, ठीक है। तो फंक्शन इज़ रनिंग भी आ गया और 12 और 45 भी आ गया मेरे पास, दोनों वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं। अच्छा अब जबकि मुझे ये दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर में भी वैल्यू है, सेकंड नंबर में भी वैल्यू है, अब मैं इसको प्रोसेस करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को क्या लिखूँगा मैं प्रोसेस करने के लिए। और प्रोसेस मैंने ये करना है कि दोनों को प्लस करना है, सम करना है, लेट रिजल्ट आगे इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू भी ना, अच्छा इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ज़बरदस्त। अब इसको रिजल्ट को कंसोल कर लेंगे, पानी चाहिए, अच्छा। तो जी मैंने क्या कर दिया, ये दोनों वेरिएबल्स जिसमें मेरे पास वैल्यूज़ आना शुरू हो गई थी उन दोनों को प्लस किया और एक तीसरे वेरिएबल में उसको मैंने डाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्ट, सही है, रिजल्ट मैंने कर दिया इसको। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अगला काम,
अच्छा कॉन्सोल पे पहले इसको चला के तो देख लें, कॉन्सोल पे मैंने इसको चलाया नहीं है। अच्छा आ जाते हैं जी, ये कोड सब लोगों ने अच्छी तरह देख लिया। कितने लोग ऐसे थे इस क्लास में जिनको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है? कौन था? एक दो तो फेल हो गए से। अच्छा वो आज एबसेंट है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया और 23, बल्कि 20, 20 लिख देता हूँ। तो अब मैं जैसे सम का बटन प्रेस करूँगा तो क्या कॉन्सोल पे आना चाहिए? 40 आना चाहिए, सब लोग शोर हैं इस पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आ गया 20, 20 20 और 20 को उसने यूँ जोड़ दिया, बजाय सम करने के उसको जोड़ दिया, एक और एक ही 11 कर दिया इसने। ये क्यों हुआ? कंसोल बिल्कुल सही लगाया, प्लस भी बिल्कुल सही लगाया। मल्टीप्लाई का कौन सा साइन? नहीं मुझे तो दो नंबर चाहिए थे, वो तो मुझे मिल गए। मैंने प्लस कर दिया उसको और प्लस करके मैंने अभी कॉन्सोल पे प्रिंट किया है, लेकिन वो प्लस नहीं हुआ। प्लस होने के बजाय वो ऐसे यूं जुड़ गया। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को समझ आ रहा है कि क्यों हुआ ऐसा? मल्टीप्लाई का कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई के लिए तो स्टेरिक होता है। अच्छा ये मैंने किया कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, चलो ये कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर ना, ठीक है चलो इसको करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। वो लिखा हुआ मैंने सामने, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी वो कर दिया इसको। मैंने कहा भाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सम किया तो यहाँ पर 25 सही आ गया। प्लस में मसला होता है, प्लस करता हूँ तो उसको साथ जोड़ देता है, ठीक है। प्लस जब करता हूँ मैं तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं इसको जब लिखता हूँ 5 और दूसरे में भी 5, तो इसको ये 55 कर देता है। किसी को पता है ये क्यों हो रहा है? सर मल्टीप्लाई का साइन इक्वल टू का साइन बाद में लगेगा, प्लस का पहले आएगा। नहीं ये इस वजह से हो रहा है, मैं समझा देता हूँ। ये इस वजह से हो रहा है कि असल में जब भी हम फॉर्म से इनपुट लेते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं फॉर्म से इनपुट लेते हैं, तो वो हमेशा हमें किस में मिलता है? स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है। बावजूद इसके कि मैंने तो वहाँ पे नंबर टाइप किया, बट वो मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करने से पहले मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको भी मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आ जाते हैं अब हम जब सेम काम करेंगे तो हमें सही मिलेगा। 5 और 5 और प्लस, अब ये 10 होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा क्या होता है कि जब दो स्ट्रिंग को हम आपस में प्लस लगाते हैं ना, तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, यूँ ऐसे जुड़ जाते हैं। तो क्योंकि वो दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में थे तो इसलिए वो जुड़ जा रहे थे। अभी अभी बाहर भी प्रिंट कराते हैं, एक एक करके भी करते हैं अभी हम वो। अच्छा तो स्ट्रिंग फॉर्म में मुझे वो नंबर मिल रहा था जिसकी वजह से प्लस करने से वो कॉन्कैटिनेट हो जाता था, लेकिन जब मैं उसी दोनों वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करता था तो वो सही आता था। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि सिर्फ प्लस में वो ये ना कॉन्कैटिनेशन करता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड, इन तीनों में से कोई हो, तो अगर उसको जावास्क्रिप्ट को दिखता है ना कि अच्छा ये नंबर ही है लेकिन ये जस्ट स्ट्रिंग फॉर्म है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करता है। प्लस में जस्ट वो कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि प्लस में तो हो सकता है आप ये चाहते हो कि जोड़ना है, तो प्लस में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लस में माइनस में कोई कॉन्कैटिनेशन नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ माइनस ही हो सकता है। ये सिर्फ प्लस के अंदर होता है कि जी नंबर ही होना चाहिए जब भी वो प्लस करेगा, अदरवाइज वो उसको कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करता है। अच्छा जी ये बात समझ आ गई हमें, अब आ जाते हैं हम। अच्छा एक दो चीज़ें इसके अंदर हमारी अभी रहती हैं, उसको ज़रा पहले शायद कवर कर लेना चाहिए हमें। मिसाल के तौर पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने कहा यार 12 और सेकंड वाले में मैंने कुछ भी नहीं लिखा और सम दबाया, तो तब भी क्या हो जाता है ये चल पड़ता है?
तो मुझे ये चाहिए कि यार दोनों में लिखें तो चल पड़े। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, इसमें क्या एट्रीब्यूट होता है? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो अब इन दोनों को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, जब तक इन दोनों में डेटा नहीं होगा सबमिट का बटन काम नहीं करेगा। सही है, अब आप इसको रिफ्रेश करते हैं। मैंने एक में लिखा 12 या 21 और सबमिट का बटन दबाया, तो अब मुझे ये क्या कह रहा है? मुझे ये कह रहा है कि यार प्लीज़, हाँ प्लीज़ फिल दिस, पता नहीं वो डबल डबल आ जा रहा है, उसके ऊपर भी कुछ आ जा रहा है। प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। सही है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस पर रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट होता है वो लगा दिया, तो उससे ये मसला हल हो गया। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि मैं इसमें कुछ लिखता हूँ ना, 23 लिख दिया मैंने, तो चलो ठीक है, लेकिन मैं इसमें दूसरे में आगे लिख देता हूँ ए बी सी। ये तो मसला है, ये तो ए बी सी लिख दिया, अब ये प्लस कैसे होगा? लिहाजा अब ये प्लस नहीं हो पा रहा, इसको मसला होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके एट्रीब्यूट लगा दूँगा के जी मुझे ना, सॉरी ये टाइप जो लिखा हुआ ना टेक्स्ट, इसकी जगह मैं लिख दूंगा नंबर। तो अब ये नुमेरिक इनपुट बॉक्स बन जाएगा इसमें, वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आया था तो लिखा हुआ था वो, अभी हमने उसको सही कर दिया। अब क्या होगा कि जब मैं इस पर हाथ रखूँगा ना, तो एक तो ये भी इस पर बना हुआ होगा, ठीक है, इसको दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, और दूसरा ये कि अब इस पर मैं नुमेरिक वैल्यू जब लिखूँगा ना, जैसे मैं ये 2 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये 2 प्रेस हो रहा है, सही है, लेकिन 2 प्रेस करने के बाद अगर मैं ए का बटन प्रेस करूँ या बी का बटन प्रेस करूँ, तो वो इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि यार अच्छा 22 और प्लस 33 और सम का बटन दबाया, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पॉइंट वाली वैल्यू अगर मैं इसको देता हूँ, तो ये बोलेगा कि नहीं जी ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो अगर मैंने पॉइंट वाली वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, वो भी मुझे बताना पड़ता है, उसका क्या एट्रीब्यूट होता है मैं भूल गया। नहीं मुझे, मैं भूल गया ना एट्रीब्यूट, अभी देखो। तो मैं जाके लिखूंगा इनपुट और MDN लिखूंगा साथ में, तो उसके डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये इसमें सारे एट्रीब्यूट्स का नाम लिखा हुआ होगा, तो मैं यहाँ से वो देख लूँगा कि कौन सा एट्रीब्यूट, ठीक है। ज़रूरत नहीं है पूरे को याद करने की, ज़रूरत नहीं है। देखो टाइप के अंदर ना, अभी मैंने जो लिखा है वो लिखा था टेक्स्ट और नंबर ना, टाइप में देखो बटन भी होता है, चेकबॉक्स भी होता है, कलर भी होता है, डेट भी होता है, ईमेल होता है, फाइल होता है ना, तो ये टाइप्स इतने सारे हैं, रेडियो है, रेंज है, रेंज में इस तरह का बना हुआ जाएगा स्लाइडर सा, ठीक है। कलर इनपुट में किस तरह का बना हुआ आएगा वो देख लो, कलर इनपुट कहाँ गया, अभी तो था यहीं पर, ये रहा कलर इनपुट में कुछ इस तरह का इनपुट बना हुआ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर सेलेक्ट करेंगे उसकी RGB की वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए था यार, मुझे नंबर वाले पे वो चाहिए था ना। नंबर वाले के वो एक एट्रीब्यूट होता है, जिसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए वो मुझे स्टेप्स, सही है। तो मैंने स्टेप इसको बता दिया, अब इसकी एग्जांपल नहीं आ रही कि स्टेप किस तरह है। हाँ सही है, तो ChatGPT पे चलते हैं भाई, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टेप का ना एक एग्जांपल बना के दो। हाँ चलो उर्दू में, मुझे HTML इनपुट का एक एग्जाम्पल बना कर दें जो नंबर इनपुट ले और पॉइंट वाले नंबर भी अलाउ करें। सही है, देख लेते हैं। तो इसने जवाब दिया है कि यार आप एक HTML इनपुट क्रिएट कर सकते हैं जो नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट अलाउ करेगा, इसलिए आप नंबर इनपुट टाइप करके उसे यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, एग्जांपल में इसने बोला कि स्टेप, हाँ ये इसने बोल दिया कि यार स्टेप ना आप इस तरह लगा लो 0.01, ठीक
ठीक है। अच्छा कुछ और भी इसने मजीद लगाया है कि जी वो मिनिमम के मिनिमम जीरो से कम ना दे सकें आप, लेकिन हमारे केस में तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में तो माइनस वाले नंबर भी होते हैं, तो मुझे इस मिनिमम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैटर्न दिया है कि जी 0 से 9 तक ही दे सके, कोई और नंबर ना दे सके। ठीक है, तो वेल पैटर्न ये कि 9 से ज़्यादा नहीं दे सकते क्या? दे सकते 0 पॉइंट जितना भी चाहे दे सकते हैं। नहीं, पैटर्न में उसने बोला है कि इसमें 0 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ये तो एक्चुअली एक तरह की ये वैलिडेशन है जो इनपुट बॉक्स पे लगाई जाती है। अगर ये लगा देना, क्योंकि अभी अगर मैं इस पर करूँगा ना, तो इस पर क्या होता है, इस पर ई लिखा हुआ भी आ जाता है, ई आ जाता है इसके ऊपर। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, नंबर नंबर इनपुट ना, तो एक्सपोनेंट, तो मैंने कहा एक्सपोनेंट 23, तो ये वाली चीज़ उसने बंद कर दी है पैटर्न लगा के। ठीक है, तो आप इसको एक्सपोनेंट में भी इनपुट दे सकते हैं एक्चुअली। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई ये स्टेप ना 0.1 0.1। तो अब क्या होगा कि अब ये 22.5 भी एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे 20 भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट था इस पॉइंट पे, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जी आप मुझे लिखा ना स्टेप 0.0, अब मर्जी की 0.02 लिखते हैं 0.03। नहीं, वो एक्चुअली स्टेप का मतलब ये होता है कि जैसे ये, अब ये है ना, ये जो बटन, ये मैं एक दफ़ा दबाऊंगा तो क्या होगा, ये मतलब है उसका एक्चुअली। सही है, समझ आ गया। अच्छा इससे होगा क्या, मैंने कहा 20.5 तो ये एक्सेप्ट करेगा, 20.05 भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये 3 डिजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 2 ही तक एक्सेप्ट करेगा। 3 दूंगा मैं, एरर दे रही है, इसको 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट पे ही सही चलेगा। तो वो स्टेप में अभी मैंने लिखा है ना 0.01, अगर मुझे 3 डिजिट चाहिए तो मैं यहाँ एक और 0 लगा दूंगा, तो वो 3 डिजिट तक का अलाउ कर देगा मुझे, फिर ये चक्कर है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट था, अब मैं इसमें कोई भी नंबर लिखता हूँ 42.5 सम, तो ये 47 इसने मुझे बता दिया। तो प्रोसेसिंग वाला पार्ट, यहाँ पे इनपुट लेना सीख लिया मैंने, उस इनपुट को प्रोसेस करना सीख लिया। अच्छा अभी मैंने इसको किया सम, अभी मैंने इसको क्या किया है, सम किया कि जी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों को सम किया है ना। अच्छा अब ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या हो सकता था, कोई एरिया कैलकुलेटर भी हो सकता था कि जी मैंने किसी रूम का ना लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ बताई है ना, या किसी किसी स्क्वायर की मैंने विड्थ और हाइट उसको बताई कि जी 10 फिट लंबा है और 20 फिट चौड़ा है, ये मैंने बात की, तो वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये भी हो सकता था। उससे शायद मैं ये कैलकुलेट कर लेता कि टोटल स्क्वायर फिट्स कितने हैं, टोटल स्क्वायर फिट एरिया कितना है, इस स्क्वायर का एरिया कितना है, ये मैं मे बी कह, तो दुनिया के जितने भी मैथ्स हैं ना, अब ये हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है, ये इनपुट आपका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉरन हाइट में इनपुट लिया, सेल्सियस में कन्वर्ट किया उसको, राइट। तो इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट नंबर की जगह मैं बोलूँ यार प्लीज़ गिव मी सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर लिख के देगा, मैं उसको नीचे कन्वर्ट कर लूँगा रिजल्ट में। अच्छा अब यहाँ पे जो पार्ट है इसको वो स्क्रीन पे वापस डिस्प्ले करवाने वाला, कॉन्सोल डॉट लॉग वाली जो डिस्प्ले करवाते हैं ना हम स्क्रीन, वो तो है डेवलपर्स के लिए, कॉन्सोल एक नॉर्मल यूज़र के लिए कॉन्सोल नहीं खोलता वो कभी भी, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है कॉन्सोल डॉट लॉग। तो अभी तक तो हम ये यूज़ करते हुए आए थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखाना है उसका। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ना एक डिव एक बना लूँगा, एक डिव या एक H1, कोई भी एलिमेंट, इट डजेंट मैटर कि वो एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, और इसको मैं एक ID दे दूंगा, और ID का मैं नाम रख देता हूँ रिजल्ट विंडो। क्लास भी दे सकते हैं ऑब्वियसली, अगर आपने इस पर कोई CSS लगानी है तो क्लास भी दे सकते हैं। अच्छा क्लास हम इसलिए नहीं दे रहे अभी फिलहाल, ID हम इसलिए दे रहे हैं कि ID यूनिक होती है, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ID यूनिक होती है, तो ID के जरिए मैं डायरेक्ट इसको उठा सकता हूँ। क्लास ऑन अदर एंड क्या हो सकता है कि 2-3 एलिमेंट्स पे भी हो सकती है, तो अगर हम क्लास से गेट करते हैं तो वो जहाँ जहाँ लगी होती है क्लास, वो सब उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें से देखना पड़ता है कि हमारा वाला कौन सा। ID में ऑन अदर एंड ऐसा केस नहीं है, ID क्या होती है, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिक होती है, तो अगर ID से उठाता हूँ मैं तो सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे मिलता है। तो इसलिए जब इनपुट और आउटपुट की बात आती है तो हम ID को प्रेफर करते हैं। अच्छा मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया रिजल्ट विंडो, इसको ID दे दी। अब मैं क्या बोलूँगा नीचे आके, नीचे आके मैं बोलूँगा, नहीं लिखा है मैंने रिजल्ट विंडो, यस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रिजल्ट विंडो डॉट
इनर एचटीएमएल ठीक है इक्वल्स टू रिजल्ट, रिजल्ट में जो भी है मैंने कहा यार इसमें डाल दो। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट तो वही है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, क्वेरी सेलेक्टर का मतलब है कि तलाश कर लो, कौन सा तलाश कर लो इस आईडी से, लेकिन पहले मैंने लिखा था डॉट वैल्यू, अब की बार मैंने लिखा है इनर एचटीएमएल। अच्छा तो वो वैल्यू जो है ना स्पेसिफिकली उस तरह के एलिमेंट्स के लिए होता है जो इनपुट लेने के काम आते हैं, जिसमें यूज़र ने कुछ लिखा होता है। अच्छा ये ऑन अदर हैंड इनर एचटीएमएल जो है ना, जैसे H1 है, अब H1 के अंदर जो कंटेंट है, जैसे हेडिंग में हाथ से एक तो लगा देता हूँ ना कि भाई ES6 इनपुट आउटपुट, ये मैंने हाथ से लगा दी, बट मैं HTML के उस हेडिंग के H1 में जो लिखा हुआ है उसमें मैं कोई चीज़ अगर प्रोग्रामेटिकली डालना चाहता हूँ ना तो वो मैं इस तरह डालता हूँ, वो डॉट वैल्यू नहीं होगा। डॉट वैल्यू किस चीज़ के लिए है? वो सिर्फ इस तरह के इनपुट बॉक्सेस के लिए, बाकी आपने H1 या पैराग्राफ या div के अंदर कुछ करना है अगर तो उसके लिए जो है आपके पास क्या चीज़ होती है इनर HTML। ठीक है तो मैं इसको div नहीं करता हूँ, इसको लिए मैं H1 कर देता हूँ, सही है, इसको मैंने H1 कर दिया, ये H1 शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, H3 कर देते हैं इसको, सही है, तो H3 है। अच्छा अभी H3 के यहाँ पे दरमियान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लिहाजा ये H3 स्क्रीन पे मौजूद तो होगा लेकिन ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है अच्छा जैसे ही फिर मैं ये मेरा सबमिट का जो कोड चलेगा पूरा, इसको दोनों नंबर्स मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, ये इस H1 के अंदर कुछ कंटेंट एक्चुअली डाल देगा ये। ठीक है इनर HTML का मतलब है कि उसके बीच में जो हेडिंग हाथ से लिखते थे ना वो अब इनर HTML से लिख रहे होंगे। अच्छा अगेन ये वाला कोड भी बॉयलर प्लेट कोड है, ये हर दफ़ा इसी तरह होगा, आउटपुट आपने हर दफ़ा इसी तरह दिखाना है, तो इसको चला कर देख लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने इसको, मैंने कहा जी 20 और प्लस 10 और सम, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ आ गया, कंसोल पर भी आ रहा है लेकिन यहाँ पर भी आ गया, सही है। अच्छा अब हम सिर्फ 30 तो नहीं दिखाना चाहते, आई थिंक हम शायद यहाँ पे एक सेंटेंस दिखाना चाहते हैं कि जी द सम ऑफ 20 एंड 10 इज 30, है ना, काइंड ऑफ दिस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक लेट एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, रिजल्ट मैसेज, और रिजल्ट मैसेज के अंदर मैं एक क्या करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ लिखना चाहता हूँ कि जी द सम ऑफ 20, सही, कुछ इस तरह का मैं करना चाहता हूँ। अच्छा H3 के अगर मैं ऊपर ही लिख दूँ ना, यहाँ पे अगर मैं अगर यहीं पे लिख दूँ तो वो तो फिक्स हो जाएगा ना, मुझे तो बटन के क्लिक पे चाहिए, तो बटन के क्लिक पे मैं पहले क्या करता था, पहले एक मैं सिंगल नंबर उसमें डालता था, अब मैं पूरा जुमला बना के डालूँगा। ठीक है अब मैं पूरे का पूरा जुमला इसमें कंस्ट्रक्ट करके फिर डालूँगा। अच्छा जी किससे पहले, ये वाला कंसोल, हाँ जी, जो रिजल्ट मैसेज है, नहीं रिजल्ट मैसेज तो यहीं पे होगा ना, असल में इसमें मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करने लगा हूँ। अच्छा मैंने क्या कर दिया, इसको डबल कोटेशन है ना, इसको बैकटिक बना दिया इसको मैंने। ठीक है ये मैं एक ऐसी चीज़ करने लगा हूँ जो ES6 के अंदर सिर्फ पॉसिबल है, उससे पहले वाले में पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, बैकटिक कर दिया, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट, इसको हम कहते हैं ES6 स्ट्रिंग टेम्पलेट, ये इसका अच्छा सा नाम है प्रॉपर। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें बेनिफिट ये होता है कि जैसे ये 20 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं कोई वेरिएबल लगा सकता हूँ, ये मैंने वेरिएबल लगा दिया, सही है, और ये 10 लिखा हुआ है इसकी जगह भी एक वेरिएबल लगा दिया मैंने, और 30 की जगह पे मुझे ये मैंने अभी कैलकुलेट मारा है ना रिज़ल्ट, तो ये 30 की जगह मैं ये रिज़ल्ट लगा देता हूँ। अच्छा ये हाँ ये टेम्पलेट जो है ना ये इसी तरह होता है। अच्छा ये टेम्पलेट के लिए देखो क्या ज़रूरी है, बैक टिक, सबसे पहले तो ये बैक टिक आपके कीबोर्ड में कहाँ पर होता है, एस्केप के बटन के बिल्कुल नीचे होता है, जो अलिफ मद्दा वाला बटन है उसको अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अलिफ मद्दा आता है हाइफन, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो बैक टिक आता है। ठीक है अच्छा सिंगल कोट नहीं है ये, अगर इसको कोई समझ रहा है कि सिंगल कोट है तो सिंगल कोट ऐसा होता है, ठीक है देखो सिंगल कोट बिल्कुल अलग है और ये डबल कोट है, ये दोनों से मुख्तलिफ है, ये है बैक टिक, ये आपके एस्केप का जो बटन है ना ESC का जो बटन है उसके नीचे है, हाँ अलिफ मद्दा वाले बटन के ऊपर। हाँ ये इसी तरह हर दफ़ा ये इसी तरह होगा ये वाला।
कंसोल के बाद आपको हाँ ये याद करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है जी। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये कर दिया कि एक नया वेरिएबल बनाकर उसमें एक स्ट्रिंग टेम्पलेट बनाकर डाल दिया मैंने, राइट। दिस इज़ स्ट्रिंग टेम्पलेट, इसको आपने भूलना नहीं है, इसको भी आपने याद रखना है। और इस स्ट्रिंग टेम्पलेट के अगेंस्ट जो भी स्ट्रिंग तैयार हुआ था, उस स्ट्रिंग को मैंने रिजल्ट मैसेज को अब रिजल्ट मैसेज अब रखवाऊंगा, ताकि वो पूरा जुमला उसके अंदर जाए, रखा मुझे। डॉलर साइन सर वैल्यू के पहले जो नंबर्स आते हैं जैसे डॉलर साइन और बाकी कोड आते हैं, वो इस वजह से होता है कि हम यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं। नहीं, ये दिस इज़ जस्ट अ टेम्पलेट। देखें ये इस तरह करके होगा, जब भी यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे ना, अगर तो मुझे यहाँ पे ABC लिखना है कुछ, वो तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, बट मुझे जब वेरिएबल लिखना है ना, तो मैं डॉलर लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ दरमियान में मैं वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा, तो वो ये इतना पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जब ये चलेगा ना कोड, तो इतना पार्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये टेम्पलेट के लिए इतना पार्ट लगा हुआ है। टेम्पलेट समझते हो ना? हाँ, टेम्पलेट उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे आजकल वॉल चॉकिंग के लिए वो टेम्पलेट्स इस्तेमाल होते हैं ना, टेम्पलेट ऐसे रखते हैं, स्प्रे मारते हैं तो वो उस पर कलर आ जाता है। वो बॉडी मेकर का एक बड़ा ऐड चलता है, पता नहीं यहाँ तो नहीं होगा वो, उधर। हाँ, वही उसी टेम्पलेट की बात हो रही है ये। ठीक है, कैपकट। अच्छा क्या था यार ये, इस तरह की टेम्पलेट पेंटिंग होती है ना, ये रहा मेहंदी के टेम्पलेट आ गए, ये तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं पहचानता होगा, अभी मैंने ऊपर लिखा नहीं है ना, मेहंदी टेम्पलेट। यार ये क्या सीन है, आया नहीं। मेहंदी के टेम्पलेट होते हैं वैसे क्या? हाँ, काइंड ऑफ ये मेहंदी का टेम्पलेट मिल गया हमें, सही है। तो अब मैंने नहीं देखा कभी कि मेहंदी का टेम्पलेट किस तरह का होता है, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक बारीक सा एक बटर पेपर या टिश्यू पेपर टाइप का कुछ होता होगा, उसको हाथ पे रख के पहले, और कुछ उस पर पाउडर शाउडर लगा देते होंगे कुछ, जिसका नीचे मार्क आ जाए, है ना, एक ब्लू पाउडर होता है वो मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते। अच्छा, ये तो और भी अच्छा है कि एक स्टिकर होता है वो एक्चुअली चिपक जाता है, बस मेहंदी यूँ ऐसे ऐसे लगा दो यूँ, सही है। अच्छा तो ये टेम्पलेट होता है, ठीक है। अच्छा तो टेम्पलेट में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जगहें फिक्स होती हैं लेकिन कुछ जगहें उसमें खाली होती हैं, तो वहाँ पे से वो एक्चुअल वैल्यू पकड़ लेता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जुमला है पूरा का पूरा, ये इसी तरह रहेगा ये हमेशा, लेकिन इस जुमले के अंदर क्या हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट जो कि टेम्पलेट है वो रिप्लेस होगा, और उसकी जगह हर दफ़ा अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड टेम्पलेट, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, ES6 स्ट्रिंग टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं डबल कोटेशन से ये लिखता है ना, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ बैकटिक वाले से पॉसिबल है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ 20, 30 और सम, तो यहाँ पे ये पूरा जुमला आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई दूसरी वैल्यू लिखता हूँ, 12, 5, 17, ये पूरा जुमला चेंज हो गया, सही है। यहाँ पे इधर हाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। और इस एंड की जगह भी हम प्लस भी लगा सकते हैं, फिर हमें शायद ये द सम ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एक सिंपल सी कैलकुलेटर की ऐप कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, इस ऐप को बनाने के दौरान हमने क्या कुछ सीखा, हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखा, हमने IPO मॉडल को डिस्कवर किया, हमने यूज़र के इनपुट को प्रोसेस किया, यानी कि प्रोसेसिंग में हमने क्या किया, उसको एक्चुअली वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता था, उसको नंबर में कन्वर्ट किया, उसको दोनों को प्लस किया, प्लस करके उसको दोबारा से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया, और प्लस हमने क्या सीखी एक और चीज़, प्लस का साइन ये स्ट्रिंग टेम्पलेट भी हमने सीखा,
उसके अलावा हमने ये देखा कि प्लस का साइन जब होता है तो उसको स्ट्रिंग में वो मिल रहा होता है, उसको मैं कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इस ऐप को बनाने के दौरान हमने सीखी हैं, ठीक है। तो इस तरह की ऐप आपने क्या करनी है, अभी बनानी है, आपके पास आधे घंटे से ज़्यादा वक्त मौजूद है। अच्छा, उसका करते हैं कुछ। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, ये मैंने कोड पुश कर दिया, ठीक है। आई होप कि सब लोगों को इसका एक्सेस है। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट, दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम है जो आपने करना ही करना है। अब इसमें आप अपनी लिमिट्स को पुश करें, आप जितना आगे जा सकते हैं इसके अंदर, यू आर वेलकम टू डू दैट ना। आपका जो भी आपको आता है, आप अपनी स्किल्स को अच्छी तरह इसमें शो ऑफ करेंगे, ठीक है। सब लोगों को आई होप के कोड का एक्सेस है, जिनको नहीं है वो क्या करेंगे, google.com पे जाएंगे और इनकॉग्निटो में खोल लेते हैं। यस यस, ये github.com का लिंक आ गया मेरे पास, और इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो रिपॉजिटरीज में जाएंगे आप, और रिपॉजिटरीज में जाने के बाद ये पेशावर सेक्शन भी आ रहा है, इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी कोड पुश किया है इसलिए टॉप पे आ रहा है। बड़ा स्लो हो गया इंटरनेट यार। ठीक है जी, ES6 इनपुट आउटपुट यहाँ पर आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। ये वो सारा का सारा कोड है जो हमने अभी लिखा है आज की क्लास में। अच्छा, इस कोड को देख के आपने बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बेहतर ये है आपके हक में, आपके लिए बेहतर ये है कि आप इसको देख के अपने हाथ से टाइप करें, ठीक है, और अच्छी तरह समझ के टाइप करें, और 2-3 दफ़ा टाइप करें, ताकि आपको ये थोड़ा सा पता भी लग जाए कि ना, आपको बगैर देखे टाइप करने की आदत हो जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखें ना, अब तो हम प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। वेल, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा कि आप इसके साथ एडजस्ट हों, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी और मैं आगे निकल जाऊँ, आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा कि आप इसके साथ एडजस्ट हो जाएँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, टाइम इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं, सारे लोग ये बनाए अभी राइट नाउ, चलें।